स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। बजट 2024 में कितने युवाओं को इंटर्नशिप और मासिक भत्ते का प्रावधान किया गया है? ए 1 करोड़, बी 2 करोड़, सी 3 करोड़, डी 4 करोड़। आंसर ए 1 करोड़। एक्सप्लेनेशन: वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। ये इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने ₹5,000 का भत्ता भी दिया जाएगा। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10% लागत को वहन करना होगा। इस योजना में कंपनियों की भागीदारी स्वैच्छिक है, यानी कंपनियां अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकती हैं। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। अगला प्रश्न: बजट 2024 में किस केंद्रीय योजना को सबसे ज्यादा राशि आवंटन की गई? ए आयुष्मान भारत, बी मनरेगा, सी पीएम सूर्योदय, डी पीएम विश्वकर्मा। आंसर बी मनरेगा। एक्सप्लेनेशन: केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2024 में देश की गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो 2023-24 की तुलना में 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह ग्रामीण रोजगार को पर्याप्त राहत देने में विफल रह सकता है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की देनदारी ही 32,000 करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न: बजट 2024 में सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को राशि आवंटित किया गया? ए रेल मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। आंसर सी रक्षा मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन: केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को करीब 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है, जो अन्य सभी मंत्रालयों की तुलना में सबसे अधिक है। ये कुल बजट आवंटन का 12.9% है। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा जहां वेतन पेंशन पर खर्च होगा, वहीं पूंजीगत खर्च के लिए करीब 1,72,000 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित हुआ है। अगला प्रश्न: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? ए 4.5-5%, बी 5-6%, सी 6.5-7%, डी 7-8%। आंसर सी 6.5-7%। एक्सप्लेनेशन: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.5-7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था महामारी से तेजी से उभरी है। वित्त वर्ष 24 में इसकी वास्तविक जीडीपी कोविड पूर्व वित्त वर्ष 20 के स्तर से 20% अधिक रही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 22 जुलाई को सर्वे पेश किया। अगला प्रश्न: किस भारतीय खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ए सचिन तेंदुलकर, बी साइना नेहवाल, सी पीवी सिंधु, डी अभिनव बिंद्रा। आंसर डी अभिनव बिंद्रा। एक्सप्लेनेशन: ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 22 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीतकर बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बने।